हेलो एवरीवन, मैं अरुण जांगिड एक बार फिर से इस आईपीएस स्कूल के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए बेटा, लास्ट वीडियो के अंतर्गत अपन देख रहे थे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है। आपने पढ़ लिए थे प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, ठीक है। अब अपन जो देखने वाले हैं वो देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में अंतर, ठीक है। तो देखिए, एक साइड लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। उससे पहले यहाँ पर देखिए क्रम संख्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं लक्षण कि कौन से लक्षण किसके अंदर प्रेजेंट है और किसके अंदर एब्सेंट है। और यहाँ पर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका। अपन क्या पढ़ रहे बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनके बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए बेटा, क्रम संख्या के अंदर नंबर फर्स्ट है, पहले आपको पता रहना चाहिए सेल साइज, ठीक है। क्या पता रहना चाहिए, सेल साइज, कोशिका का आकार कितना होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अपन सेल साइज को देखते हैं तो यहाँ पर कोशिका 0.5 से लेकर के 5 माइक्रोन तक होती है, ठीक है। कोशिका की साइज यहाँ पर कितनी होती है, 0.5 से लेकर के 5 माइक्रोन तक होती है, ठीक है बेटा। और देखिए यहाँ पर, सॉरी μm करना इसको, माइक्रोन मीटर तक होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बेटा, तो यहाँ पर कोशिका की जो साइज है वो 5 से लेकर और कितनी होती है, 20 μm तक, कितनी होती है, 5 से लेकर के 20 μm तक। अब देखिए दूसरा कैरेक्टर देखते हैं, तो दूसरा लक्षण अगर अपन देखेंगे तो दूसरे लक्षण के अंदर क्या देखते हैं, देखिए 0.5 कला की मोटाई, क्या देखते हैं दूसरे लक्षण के अंदर, जीव द्रव कला की मोटाई। तो बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो जीव द्रव कला की मोटाई होती है वो 40 से लेकर के 50 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव कला की जो मोटाई है वो कितनी है, 40 से लेकर के 50 एंगस्ट्रॉम। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव कला की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और कितनी होती है, 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसके अलावा नंबर 3 पर देखते हैं बेटा, तो देखिए नंबर 3 पर क्या डिफरेंस हो सकता है केंद्रक के बारे में, क्या हो सकता है केंद्रक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रक को क्या देखते हो आप, तो देखिए बेटा यहाँ पर केंद्रक, केंद्रक अल्प विकसित कैसा होता है, अल्प विकसित है, केंद्रक अल्प विकसित होता है, जिसे क्या कहते हैं,
जिसे जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रक यहां पर अल्पविकसित होता है जो क्या कहलाता है, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहलाता है। अब यहां पर आ जाइए तो केंद्रक यहां पर कैसा है बेटा, केंद्रक वास्तविक प्रकार का और कैसा है, पूर्ण विकसित है। ठीक है, पूर्ण विकसित केंद्रक कैसा है, वास्तविक प्रकार का है और कैसा है, पूर्ण विकसित है। ठीक है, अब चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नंबर चार पर। तो नंबर चार पर किसको देखेंगे बेटा, केंद्रिका, किसको देखते हैं, केंद्रिका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केंद्रिका कैसी होती है बेटा, अनुपस्थित होती है। ठीक है, केंद्रिका एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जबकि यहाँ पर केंद्रिका उपस्थित होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रिका उपस्थित होती है। आगे देखिए नंबर पाँच पर, तो नंबर पाँच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कैसे होते हैं, तो यहाँ पर सिंगल क्रोमोजोम यानी कि एकल गुणसूत्र, सिंगल क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गुणसूत्र कैसे होते हैं बेटा, मल्टीपल क्रोमोजोम। ठीक है, तो गुणसूत्र यहाँ पर तो कैसे हैं, सिंगल क्रोमोजोम है, और यहाँ पर कैसे हैं, मल्टीपल क्रोमोजोम है। ठीक है, तो पांच डिफरेंस है कौन कौन से, सेल साइज, कोशिका की साइज, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के अंदर कितनी है, 0.5 से लेकर 5 μm तक होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है वो 5 से 20 μm तक पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो जीव द्रव कला की मोटाई होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 40 से 50 एंगस्ट्रॉम की होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 75 से 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, लक्षण देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अपना लक्षण केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक अल्प विकसित होता है, क्यों, उनके ऊपर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के केंद्रक को क्या बोलेंगे, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यहाँ पर केंद्रक वास्तविक प्रकार का और कैसा है, पूर्ण विकसित है। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट नंबर चार पर है केंद्रिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रिका है वो एब्सेंट होती है, जबकि इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और गुणसूत्र यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोमोजोम है, यहाँ पर कैसे है, मल्टीपल क्रोमोजोम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट लक्षण, तो नेक्स्ट लक्षण में क्या क्या हो सकते हैं बेटा, नंबर छह पर देखना, नंबर छह पर है झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग यानी कि जिनके ऊपर झिल्लियां पाई जाती हो। ठीक है, तो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग यहां पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कैसे हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए बेटा
नंबर सात पर है श्वसनी एंजाइम, श्वसनी एंजाइम। तो बेटा ध्यान रखना है आपको, श्वसनी एंजाइम, श्वसनी एंजाइम मीसोजोम में उपस्थित होते हैं। श्वसनी एंजाइम मीसोजोम में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, श्वसनी एंजाइम, श्वसनी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसनी एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर मीसोजोम में पाए जाते हैं। बेटा मीसोजोम क्या होता है, तो देखिए बैक्टीरिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से उभार नुमा संरचना का निर्माण करती है। इन उभार नुमा संरचनाओं को ही क्या कहा जाता है बेटा, मीसोजोम कहा जाता है। कुछ इस टाइप की संरचना इसके अंदर जो ये उभार नुमा संरचना जो दिखाई दे रही है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ उभार नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिनको कहा जाता है मीसोजोम, ठीक है। इट्स ओके क्लियर। तो मीसोजोम ध्यान रखना है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि नेक्स्ट जो लक्षण होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट लक्षण हो जाएगा बेटा मीसोजोम, मीसोजोम। तो यहाँ पर मीसोजोम उपस्थित होते हैं और यहाँ पर मीसोजोम अनुपस्थित होते हैं, और अनुपस्थित होते हैं तो पाया कौन जाता है मीसोजोम की जगह, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो श्वसन का केंद्र होता है वो इसमें कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि इसके अंदर श्वसनी केंद्र कौन है, मीसोजोम है। तो नेक्स्ट लक्षण क्या हो जाएगा, श्वसन का केंद्र नंबर नौ पर क्या हो जाएगा, श्वसन केंद्र, ठीक है। तो श्वसन केंद्र बेटा कौन है, यहाँ पर तो है मीसोजोम, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। श्वसन केंद्र प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन होता है, मीसोजोम, जबकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके क्लियर। अब आगे देखते हैं, नंबर दस पर है कोशिका भित्ति, नंबर दस पर जो लक्षण है वो कौन सा है बेटा, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति देखते हैं, तो इसमें कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन एमिनो एसिड व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो
सेल वॉल होती है उसके अंदर बेटा क्या क्या मौजूद हो सकते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन हो सकते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं, एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट की सेल वॉल बनी होती है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखना है आपको, जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल्स के अंदर और फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, तो आपको यहाँ पर उनके ही बारे में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखिए जंतु कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है, जंतु कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट होती है। और पादप कोशिका की अगर बात करते हैं तो पादप कोशिका में जो सेल वॉल बनी होती है, पादप कोशिका में सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा, तो याद रखना है इसको आप, सेलुलोज हेमी सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। जबकि कवक के अंदर, अगर कवक में देखा जाए तो कवक में कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है बेटा, काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो सेल वॉल का डिफरेंस ये है कि जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल और फंजाई सेल के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है, तो प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जबकि कवक के अंदर ये काइटिन की बनी होती है। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा नंबर 11 पर जो डिफरेंस है, और नंबर 11 पर डिफरेंस क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर तो रिक्तिका के बारे में देख लेते हैं, लक्षण के अंदर आ जाएगा रिक्तिका। तो बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात की जाए कि रिक्तिका इसके अंदर मौजूद होती है या नहीं होती, तो ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस क्या हो सकता है, तो नंबर 12 पर चलिए, तो नंबर 12 पर अपन देखते हैं डिफरेंस और भी क्या है इसके अंदर। तो देखना है यहाँ पर, देखिए नंबर 12 पर अपन थोड़ा देखते हैं फ्लैजिला के बारे में, फ्लैजिला, ठीक है। और फ्लैजिला को हिंदी में बोलते हैं क्या, कशाब या कशाविका, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट, ठीक है, और इनमें तर्कु तंतु, यानी कि फ्लैजिला के अंदर माइक्रोफाइब्रिल जो होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल 0+1 की व्यवस्था में होते हैं बेटा, ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल 0+1 की व्यवस्था में होते हैं। यहाँ पर माइक्रोफाइब्रिल की जो व्यवस्था होती है वो होती है बेटा 2+9 की व्यवस्था, ठीक है, 2+9 की व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 13 पर देखेंगे बेटा अपन कोशिका विभाजन, ठीक है। तो कोशिका विभाजन की अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर,
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो किस टाइप का होता है? एसोत्री होता है। कैसा होता है? एसोत्री होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इधर, तो इधर जो विभाजन होगा वो कौन कौन सा होगा बेटा? तो वो होगा समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अगर अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर विभाजन के बारे में बात करते हैं तो विभाजन कौन कौन सा पाया जाता है? एसोत्री विभाजन, और उसके अंदर कौन सा विभाजन पाया जाता है? समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। आगे और देखते हैं डिफरेंस, और भी क्या बहुत सारे डिफरेंस हैं इनके बीच में। नंबर 14 पर है डिफरेंस परालैंगिकता, परालैंगिकता, ठीक है। तो देखिए बेटा, परालैंगिकता पाई जाती है, लेकिन कैसी होती है? अल्प विकसित, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहां पर लैंगिक जनन नहीं होता, ठीक है। यहां पर लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। लैंगिक जनन पाया जाता है। नंबर 15 पर देखिए, तर्कुतंतु। तो यहां पर देखिए, तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होता, ठीक है। तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होता और इसमें होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तर्कुतंतु बनते हैं, आपको पता है। अभी आगे और बता दूंगा बेटा कि जब सेल डिवीजन अपन पढ़ेंगे तो तर्कुतंतुओं का निर्माण होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर तर्कुतंतुओं का अगर निर्माण नहीं होता है तो वहां पर समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 16 पर है अगर अपन देखते हैं बेटा, तो 16 नंबर पर क्या हो सकता है? देखिए, इसके काफ़ी सारे उदाहरण हैं, बहुत हो गए मेरे हिसाब से, 15 उदाहरण बहुत है। अब 16 नंबर पर अपन इसके बात कर लेते हैं, एक्जोसाइटोसिस। वे एंडोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस क्या होता है? तो कोशिका के द्वारा जो भोजन होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालना एक्जोसाइटोसिस, और आवश्यक पदार्थों को कोशिका के द्वारा अंदर ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। तो बेटा ध्यान रखना, एक्जोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एक्जोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन देख लेते हैं इनके उदाहरण। तो उदाहरण भी नंबर 17 पर है, उदाहरण। तो उदाहरण के अंदर आप क्या पढ़ोगे? इसके अंदर प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरिया है,
इसके अलावा माइकोप्लाज्मा है, जिसको आप PPLO मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा क्या है इसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ठीक है। और यहाँ पर सभी उच्च श्रेणी के पादप व जंतु इसके अंदर उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में डिफरेंस जो अभी आपने पढ़ा है। इसके बाद अपन बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के अंदर, सबसे फर्स्ट जो बात करेंगे सेल वॉल के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।